Hi guys, welcome back to my channel. My name is Kathy and I post videos related to food, lifestyle and whatever life makes me go through. Okay, so ये मेरी first YouTube video होने वाली है, like first vlog. And इससे पहले मैं shorts ही share करती थी, so it's gonna be my first vlog and I'm really excited for. तुम्हारे कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? अभी के लिए मैं इतना बताना चाहूंगी कि आज है शनिवार का दिन और मैं जा रही हूँ पंजाबी पार्क. वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी जगह एक्सप्लोर करने, जो कि बहुत ज्यादा नई तो नहीं है बट हाँ मेरे लिए थोड़ी नई है एंड मुझे अब जाके टाइम मिला है वहाँ जाने का. सो मैं वहाँ पहुँच के आपसे सारी डिटेल्स शेयर करूंगी, वहाँ जाना वर्थ इट है भी या नहीं, या वहाँ पे जाके आप क्या क्या कर सकते हो. सो ये सारी चीजें हम वहाँ जाके डिस्कस करेंगे. तो अभी हम चलते हैं रफत से और मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच के. सो ये है वो जगह जहाँ हम आ जाने वाले थे, विच इज़ भारत दर्शन पार्क. और बाहर से तो ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, देखते हैं अंदर से जगह कैसी होगी. सो ये है टिकट काउंटर और यहाँ से हमने ले ली अपनी टिकट्स, विच इज़ 150 रुपीज़ पर पर्सन. सो गाइज यहाँ से है एंट्रेंस और अभी हमने ली है एंट्री यहाँ पे. सो आई जस्ट शो यू द व्यू फ्रॉम हेयर. एंटर करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा, विच इज़ क्वाइट गुड आई गेस. सो भी आगे चलना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे जाके हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे जो पहला मॉन्यूमेंट मुझे दिख रहा है वो है गेटवे ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे दे रखी है गेटवे ऑफ इंडिया की पूरी डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर किसी को नहीं भी पता कि ये कहाँ पे है क्या है तो उसको पूरा चट्ठा पता चल जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया का. और अब हम यहाँ आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि अंदर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है. नेक्स्ट मॉन्यूमेंट जो है वो है हवा महल. आई डोंट नो, मुझे हवा महल ये देखते ही या सुनते ही सबसे पहले यही गाना याद आता है, हवा हवाई. आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, बट ठीक है मेरे दिमाग में है डिफेक्ट तो इट्स फाइन. हमने बिल्कुल थोड़ा सा आई थिंक पार्क कवर करा है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मुझे लग रहा है कि मैंने इस मौसम में और इस टाइम पे आके बहुत बड़ी गलती करी है. या तो मुझे शाम को आना चाहिए था या मुझे सर्दियों में आना चाहिए था ताकि मुझे धूप अच्छी लगती, पर अभी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है. सो इट्स गेटिंग रियली टायरिंग और धूप बहुत इरिटेट कर रही है मुझे, क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है. तो देखते हैं अभी बाकी का दिन कैसे जाए. अब हम आ चुके हैं आई थिंक मीनाक्षी टेम्पल की ओर, विच इज अगेन लुकिंग रियली अमेजिंग. सो फाइनली इतना चलने के बाद मुझे एक रिफ्रेशमेंट कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे. आई होप यहाँ पे कुछ मिले. यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, वही कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह हैं, तो मैंने सिर्फ पानी लेना ही प्रेफर किया. तो ठीक है, अभी बहुत गर्मी थी यार, पानी तो चाहिए था. फाइनली मुझे लगा था कि हमें अब जाके कुछ पीने को मिला, तो मैंने ये ठंडे पानी की बॉटल ली और जब मैंने पीने लगी तो मुझे पता चला कि इसके अंदर सिर्फ बर्फ है और पानी बिल्कुल भी नहीं है.
रामेश्वरम टेम्पल। सो ये कुछ ऐसा है, जो लोग गए होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा। सो हियर इट इज। यहाँ पे बैठने का इन लोगों ने बहुत अच्छा आई थिंक रिलैक्सिंग बना रखा है, लेकिन ड्यू टू सो मच ऑफ हीट, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब आई डोंट थिंक कोई बैठेगा, बिकॉज यहाँ चलना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। गाइस ये फर्स्ट व्लॉग था मेरा और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इस व्लॉग के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मुझे इस पूरे व्लॉग में सिर्फ यही बोलते हुए सुनोगे कि यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ बहुत गर्मी है, बिकॉज यहाँ लिटरली मतलब सूरज मेरे मुँह पे ऐसा मुझे सन किस स्टोरी है ना कि इट्स वेरी टाइमिंग। ओके अभी यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह आ गई, तो मैंने पहले आपको वो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं गर्मी का रोना रहूँगी। सो ये जगह है महाबत पैलेस, ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। सो मोर ओवर मुझे यहाँ थोड़ी सी ना जू की भी फीलिंग आ रही है। आई नो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, वहाँ एनिमल्स देखते हैं, बट जो आई थिंक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन अ पार्क एंड वॉकिंग और गर्मी, अगर हम जू में जाते हैं तो सबको पता है हमारा क्या हाल होता है, बस वही हाल है यहाँ पे भी। आई थिंक वेस्ट दिल्ली के काफ़ी सारे लोग यहाँ आए होंगे तो उनको पता होगा, बट वो शायद थोड़े समझदार होंगे, मेरे जैसे नहीं होंगे, और वो सर्दियों में आए होंगे या फिर वो रात को आते होंगे। और रात को यहाँ पे गए मैंने बहुत इनकी फोटोग्राफ्स में देखा था कि यहाँ पे लाइटनिंग्स होती हैं हर एक मॉन्यूमेंट में, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो अगर आप विजिट करने की सोच रहे हो तो आप प्रेफर करना कि आप रात को आओ। आ चुके हैं एंड दिस इज कॉल्ड सांची सतु। यहाँ पे काफ़ी सही जगह लगी है मुझे रेस्ट करने के लिए, बिकॉज छाया थी लेकिन लोग ज़्यादा थे, इसलिए मैंने यहाँ बैठना प्रेफर नहीं किया। देखते हैं आगे कुछ और बेटर मिले तो। एंड बाय द वे थकावट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, बस अगेन आई वुड से दैट कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे चाहिए था कि थोड़ी देर छाया में मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन ठीक है। ओके तो अगेन मुझे यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वाला कॉर्नर जो है वो दिख रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पे सेम चीज़ें ही हैं, वही एज यूजुअल बर्फ वाला पानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अदरवाइज कुछ नहीं है। सो अब हम आ गए हैं यहाँ पे विच इज विक्टोरिया पैलेस। ओके सॉरी फॉर द एक्सेंट। यहाँ पे मुझे एक जगह दिखी है जो हम हिस्ट्री की बुक्स में देखते थे, विच इज हम्पी रथ। ओके सो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे। सो अब हम आ चुके हैं ताजमहल, जो शाहजहां ने बनवाया था अपनी महबूबा सॉरी मुमताज के लिए। फाइनली गाइज आफ्टर दिस टेम्पल हमारा भारत दर्शन होता है ख़त्म, क्योंकि हम आ चुके हैं एग्जिट की तरफ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है क्योंकि अब मुझे यहाँ गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा, और अब मैं जाऊँगी कुछ खाने पीने किसी अच्छी सी जगह पे जहाँ एसी हो। सो चलते हैं। सो फाइनली अब मैं आ गई हूँ कुछ खाने, और मैंने लिया अपना फेवरेट डोसा और मैं इसको करने वाली हूँ इन्जॉय। आपसे बात करती हूँ घर पहुँच के। फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था बिकॉज ऑफ धूप। लाइक धूप मतलब दिल्ली में इस तरीके की गर्मी पड़ रही है ना जैसी जून मई में पड़ती है, और मुझे नहीं पता कि तब क्या हाल होगा अगर मार्च मिड में ये हाल है। काफ़ी अच्छा था, मतलब कुछ बहुत डिफरेंट नहीं था, वेस्ट ऑफ अंडर में भी है बट यहाँ सिर्फ इंडियंस था, वहाँ पे वर्ल्ड के मॉन्यूमेंट्स हैं। सो या इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, यू कैन डेफिनेटली गो, बट आई प्रेफर कि आप या तो जिस दिन मौसम अच्छा हो उस दिन जाओ, या फिर आप नाइट में विजिट करो, एटलीस्ट वहाँ तक धूप नहीं होगी और वहाँ पे लाइट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस दिन के एक्सपीरियंस से मत बेटर होगा।
सो बस यही था। और उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गई थी धूप की वजह से एंड आई वॉज रियली हंग्री, तो मैंने बस खाना खाया एंड कुछ मुझे थोड़े बहुत काम थे वो मैंने काम खत्म किए एंड मैं घर आ गई हूँ वापस। और आज धूप की वजह से ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे उसके लिए भी कुछ यू नो मुँह पे कुछ स्किन केयर आई थिंक डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर आप दिन में जा रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से सनस्क्रीन लगा के इस वीडियो में सब्सक्राइब लाइक कमेंट तीनों में से कुछ करना मैं भूला और शेयर भी कर देना वो तो सोने पे लगा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय बाय।